पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक जो वन रैंक वन पेंशन के एरियर का वेट कर रहे थे 23 मार्च, जी हाँ आज के दिन सबसे बड़ी अपडेट निकल गई है 7:38 में। जी हाँ अभी सुबह सुबह में मिली सौगात सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उस पर हमारे कर्नल लांबा जी ने एक बहुत ही अच्छी और सही बात कही है और ये पेंशन भोगी के हित के लिए कहा है। जितने भी हमारे तमाम मिलिट्री वेटनर्स हैं या एक्स सर्विसमैन है या जितने भूतपूर्व सैनिक हमारा वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा जो रिमेनिंग ओआरओपी एरियर्स है जितने को भी एक इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद जो अपना एरियर का वेट कर रहे हैं, जिसपे आपको पता होगा टाइमलाइन न्यू टाइमलाइन आ गई है, उसके संदर्भ में यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और सौगात पेंशन भोगों को, जी हाँ वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट ट्विटर हैंडल के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। 23 मार्च की खबर है, देख सकते हैं आप और हम इसको बताने जा रहे हैं। उससे पहले मैं सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी और तमाम लिटरेंट से अनुरोध और आशा करूंगा, निवेदन करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक बटन होगा सब्सक्राइब का, बगल में छोटी सी घंटी है, ये दोनों को दबाना अति अनिवार्य है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी अपडेट हो मिलते रहे, चाहे MSP ये हो, चाहे DADR की हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन की हो, चाहे पेंशन पोर्टल स्पर्श पोर्टल PCDA या फिर किसी भी तरह का इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट या वॉइस ऑफ एक्स सर्विस बैंड या धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो दिल्ली में चल रहा है हम आपके पास पहुंचाते रहते हैं। तो आपका हक और निवेदन बनता है कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं आप यहां पे इन्होंने कहा है दोस अबव 70 शुड बी पेड एरियर इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर जो भी 70 वर्ष की अधिक आयु वाले हैं उनको 30 जून तक एक ही किस्त में बकाया राशि भुगतान किया जाना चाहिए, जी हाँ इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट और स्प्रेड आउट बाय 30 जून फॉर रिमेनिंग। और बता दें कि शेष के लिए जो बच गए हैं उनको 31 अगस्त या 30 नवंबर या अगले 28 फरवरी तक 3 समान किस्तों में बकाया भुगतान देना चाहिए। ये इन्होंने कहा है कर्नल लांबा जी ने, जो बिल्कुल सही कहा है, जितने पेंशन धारक है उनको एक बार में देना चाहिए। जो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, जितने भी भूतपूर्व सैनिक या फिर 70 वर्ष के हो गए हैं उनको एक ही किस्त में, ना कि उनको वेट कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वारूपी लाभार्थी जितने थे उनमें कुछ लोग अब चल बसे भी हैं, तो इसलिए उनको एरियर सही टाइम पे मिल जाएगा तो सही रहेगा। आगे ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेगी। आपको बता दें कि MSP पर सुनवाई थी, कब थी, तो कल थी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में MSP सुनवाई थी, तो उसमें से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में आपको MSP इक्वल होते हुए दिख जाएगा क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। इसलिए आपका नेक्स्ट वीडियो 11 बजे आएगा, तो आप तैयार रहिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।